संगीत के 12 स्वरों में सात शुद्ध, चार कोमल और एक तीव्र, तीन सप्तक मंदर, मध्य और तार सप्तक का प्रयोग। अब संगीत के 10 ठाटों से रागों की 9 जाति प्रकार से संपूर्ण शारंग और औड़ जातियों के आधार पर रागों की उत्पत्ति होती है। एक थाट से 448 राग बनाए जा सकते हैं। अब 10 थाट है, बिलावल थाट, कल्याण थाट, खमाज, काफी, असावरी, भैरव, भैरवी, तोड़ी, पूर्वी और मारवा थाट। अब बिलावल थाट देखेंगे। थाट क्या है? थाट में सिर्फ 7 स्वर होते हैं या दिखाए जाते हैं कि थाट में 7 स्वर शुद्ध हैं, कोमल है, तीव्र है या कोमल तीव्र है। तो पहले बिलावल थाट को देखेंगे। अब थाट में सिर्फ अरोह होता है, अरोह अवरोह नहीं होता। अगर अरोह अवरोह दिखाएंगे तो ये बिलावल राग दिखाई देगा। अब थाट के स्वरों को अरोह अवरोह वादी संवादी राग अंग के आधार पर प्रयोग करते हैं तो ये राग में परिवर्तित हो जाता है या तब्दील हो जाता है। अब उसके बाद हम लेते हैं कल्याण थाट। कल्याण थाट में तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है। कैसे? अब तीव्र मध्यम का प्रयोग यमन कल्याण या यमन राग में या केदार आदि रागों में भी इसका प्रयोग तीव्र मध्यम का करते हैं। तो ऐसे तो सात स्वर अरोह में जब दिखाएंगे तो ये होगा हमारा कल्याण थाट। और जब प्रयोग करेंगे वादी संवादी अरोह अवरोह तो उसमें तान पलटा आदि गत या गीत के हिसाब से प्रयोग करेंगे तो उसमें ये राग में परिवर्तित। अब खमाज थाट लेते हैं। इसमें निषाद कोमल और बाकी सारे स्वर शुद्ध है, ये खमाज। अब काफी थाट लेंगे, देखेंगे इसमें गा और नी कोमल, ये काफी थाट। काफी थाट में गा और नी कोमल। आप इसको रोम रोम में प्रयोग करेंगे या राग अंग के आधार पर प्रयोग करेंगे, वादी संवादी के आधार पर प्रयोग, संपूर्ण शार्ण विशार्ण संपूर्ण आदि जाति के द्वारा प्रयोग करने से ये इस रागों में परिवर्तित हो जाता है। अब देंगे हम असावरी थाट। असावरी थाट में गा और धा और नी को। अब इसके लिए हम धेवल को कोमल करेंगे।
अब ये हमारा हुआ असावरी थार। अब असावरी थार के बाद आती है भैरव थार की बात। भैरव थार के लिए ऋषभ को कोमल करेंगे। इसमें ऋषभ कोमल, गा शुद्ध, देव कोमल और निषाद शुद्ध। अब ये हुआ हमारा भैरव थार। जब हम इसको माफ कीजिए, अब ये भैरव राग बन गया। लेकिन थार में सिर्फ हमें हमने दिखाना है कि थार में सात सुर ही दिखाने हैं। अब इसके बाद हम लेते हैं भैरवी थार। भैरवी थार में रे कोमल, गा कोमल, धा कोमल और नी कोमल। ये हमारा हुआ भैरवी थार। अब तोड़ी थार में रे, गा, धा, मा। रे गा धा म मध्यम तीवर और रे गा धा कोमल। अब इन्हीं को जब प्रयोग करेंगे और वो रो वगैरह में तो ये राग तोड़ी बन जाता है। जैसे ये राग तोड़ी हो गया। लेकिन जब सात सुर दिखाएंगे हम सिर्फ तो इसको तोड़ी थार। अब पूर्वी थार में ये हमारा पूर्वी थार हुआ। मारवा थाट देंगे तो मारवा थाट में, मारवा थाट में देखेंगे में रे कोमल, गंधार शुद्ध, मा तीव्र, धा शुद्ध और निषाद शुद्ध। ये हुआ मारवा थाट। अब मारवा थाट के आधार पर एक राग मारवा है वो ऐसे है।
ये मारवा हुआ। अब ऐसी थाट में सिर्फ सात सुर दिखाए जाते हैं और राग अंग वादी संवादी अरो अवरो कण मुरकी जमजमा खड़का फिल्टर आदि आधार पर इसका प्रयोग जो रागों में होता है, ये हमारे हुए।